सैर सपाटे की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन कश्मीर है और लॉकडाउन के बाद आप जरूर जाने वाले हैं। तो इस छोटी सी वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि मैं आप सभी को वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिसकी आपको ज़रूरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर देना। इस वीडियो में मैं आपको कश्मीर के गुलमर्ग और श्रीनगर टूर प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगा, जैसे कि कैसे आप कश्मीर घूमने जा सकते हैं वो भी बजट में, क्योंकि हम सब किसी भी टूर को प्लान करते हैं तो बजट में ही करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है सबसे आसान और सस्ता तरीका कश्मीर घूमने का। कश्मीर टूर में सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। श्रीनगर कैसे पहुंचें? अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो देश के लगभग सभी बड़े शहरों से आपको फ्लाइट मिल जाएंगी श्रीनगर के लिए। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता से 5000 से 7000 रुपए के बीच का टिकट बनता है फ्लाइट का। वहीं अगर आप दिल्ली से जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगभग सेम ही प्राइस होगा, यानी कि आपको 5000 से 7000 रुपए पे करने होंगे दिल्ली से भी और आप आराम से श्रीनगर पहुँच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट बस श्रीनगर के लिए दिल्ली से भी अवेलेबल मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से भी आपको श्रीनगर के लिए बस मिल जाएंगी, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए आपको जाना होगा www.jksrtc.com पे। अगर दिल्ली से आप वॉल्वो लेते हैं तो उसके लिए आपको 2199 रुपये पे करने होंगे। वहीं सेमी नॉन एसी डीलक्स बस की बात करूं तो इसके लिए आपको 1837 रुपये पे करने होंगे। आपको वहीं बात करूं ऑर्डिनरी बस की तो इसके लिए आपको 1649 रुपये पे करने होंगे। अब बात करते हैं ट्रेन की, तो श्रीनगर का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जम्मू, कटरा और उधमपुर है। जम्मू से श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 268 किलोमीटर है। कटरा से श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। और वहीं बात करूं उधमपुर से श्रीनगर के बीच की दूरी की, तो उधमपुर से श्रीनगर के बीच की दूरी 201 किलोमीटर है। उधमपुर सबसे बेस्ट होता है आपके लिए अगर आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा आपको उधमपुर से बाई टैक्सी या फिर बाई बस बनिहाल तक आना होगा। उधमपुर से बनिहाल की दूरी 93 किलोमीटर है। अगर आप बाई बस आते हैं तो 150 रुपये पे करने के बाद आप उधमपुर से बनिहाल तक आ सकते हैं। अगर आप बाई टैक्सी बनिहाल जा रहे हैं तो शेयर टैक्सी के लिए आपको 400 से 500 रुपये पे करने होंगे, फिर आप आराम से बनिहाल पहुंच सकते हैं। बनिहाल से श्रीनगर के लिए आपको ट्रेन मिल जाएंगी, क्योंकि बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन सेवा उपलब्ध है, तो आप आराम से बनिहाल से श्रीनगर के लिए ट्रेन ले सकते हैं जो कि हर एक घंटे के अंतराल पर आपको मिल जाएंगी। बनिहाल से श्रीनगर का ये रेल सफ़र रोमांच से भर देने वाला एक ऐसा सफ़र है जिसे आप ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। बात करते हैं बनिहाल से श्रीनगर के किराए का, तो इसके लिए आपको 35 रुपये का टिकट लेना होगा और बनिहाल से श्रीनगर पहुंचने में आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे लग जाएंगे। बाई ट्रेन आने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप कटरा से भी डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, जिसके लिए आपको 650 रुपये से 850 रुपये पे करने होंगे। अगर आप कटरा से बाई टैक्सी आते हैं तो उसके लिए अराउंड 1000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे श्रीनगर के लिए। बात आती है स्टे की, तो श्रीनगर में बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं। श्रीनगर में आप हाउस बोट पे भी स्टे कर सकते हैं। श्रीनगर के डल झील में आपको हाउस बोट की सुविधा मिलेंगी। हाउस बोट में आपको 400 रुपये से 800 रुपये तक पे करने होंगे पर नाइट का। इसके अलावा कुछ कॉस्टली हाउस बोट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। डल लेक में आप शिकारा को भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके चार्जेस 10 रुपये से स्टार्ट होकर 50 रुपये तक होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल होटल्स हैं श्रीनगर में, उनके चार्जेस 500 रुपये से स्टार्ट होकर 20,000 रुपये तक जा सकता है। अब बात करते हैं कहां कहां घूमने जा सकते हैं श्रीनगर में, तो आप यहां पर परी महल जा सकते हैं जो यहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चश्मे शाही बाग घूमने जा सकते हैं। आप नागिन लेक घूमने जा सकते हैं जो डल झील का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा आप निशात बाग भी घूमने जा सकते हैं जो डल झील के पास में ही स्थित है। इसके अलावा आप हजरतबल श्राइन घूमने जा सकते हैं। आप चाहें तो शंकराचार्य टेम्पल भी घूमने जा सकते हैं जो शंकराचार्य पहाड़ियों के स्थित है। शालीमार बाग भी टूरिस्ट अट्रैक्शन का एक केंद्र है। आप तुलिप गार्डन भी जा सकते हैं, जिसे हम इंदिरा गांधी मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा डल झील तो आप जाओ ही जाओ, क्योंकि यहाँ घूमने का एक्सपीरियंस अपने आप में एक सुखद अनुभव होता है। श्रीनगर में आप 2 दिन स्टे करेंगे, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर इवनिंग में पहुँचते हैं,
तो उस रात स्टे करने के बाद आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग इन सभी साइट सीन को कवर करने के लिए निकल सकते हैं। नेक्स्ट डे यानी कि थर्ड डे आपको जाना होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं, जो 1000 रुपये से 1200 रुपये चार्ज करेंगे वन वे का, या फिर आप चाहें तो टैक्सी को राउंड ट्रिप के लिए बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2500 से 3000 रुपये पे करने होंगे, जिसमें आपकी पिकअप होगी श्रीनगर से और वापस ड्रॉप श्रीनगर में ही होगी। अगर आप चाहते हैं गुलमर्ग बाई बस जाना तो आप बाई बस भी गुलमर्ग जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 70 से 80 रुपये का टिकट लेना होगा। अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो गुलमर्ग में स्टे के लिए वहाँ के जो होटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिनका स्टार्टिंग प्राइस होता है 1500 से 2000 रुपये। गुलमर्ग एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये जगह एडवेंचर लवर्स के लिए पहली पसंद होती है कश्मीर में। अगर आप गुलमर्ग में स्टे करना चाहते हैं तो स्टे कर सकते हैं, और अगर आप मॉर्निंग में गुलमर्ग आकर इवनिंग तक इंजॉय करने के बाद वापस श्रीनगर जाना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। गुलमर्ग में आप गंडोला, जिसे हम रोपवे भी बोलते हैं, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। गंडोला राइड गुलमर्ग की बेहद खास है और इसे ज़रूर राइड करें। गुलमर्ग आने के बाद आप यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो गुलमर्ग में आप स्नो स्कूटर, जिसे स्नो मोबाइल भी बोला जाता है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्कीइंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये पे करने होंगे। अगर आप श्रीनगर घूमने आते हैं तो गुलमर्ग ज़रूर आइएगा, क्योंकि गुलमर्ग सभी टूरिस्ट के लिए एक खास पॉइंट है। यहाँ मार्च से लेकर जुलाई तक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि विंटर में हैवी स्नोफॉल होने के कारण कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप मार्च से जुलाई तक यहाँ विजिट कर सकते हैं। यकीन मानिए आप इस टूर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद। Said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is free.